जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा भेजे जा रहे हर इमेज के साथ इस रहस्यमय ब्रह्मांड का रहस्य और भी गहरा होते जा रहा है, जहां इसके द्वारा किए जा रहे नए खोजों से किसी रहस्य का पर्दाफाश होता है और हम इस ब्रह्मांड के बारे में पहले से कुछ नया और रोचक बातें जानते हैं, जिससे हमारी खोज की सीमा और भी बढ़ती चली जाती है। किंतु इसी के साथ हमारे सामने कुछ ऐसे प्रश्न भी आ खड़े होते हैं जिसके जवाबों की तलाश हमें एक और नई रहस्यमय दुनिया में ले जाती है। लेकिन प्रश्न चाहे कितने भी जटिल क्यों न हो, यह हमें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस सदी का सबसे महान और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिसने इस ब्रह्मांड के उन रहस्यों से पर्दा हटाए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हाल ही में इस टेलीस्कोप ने फिर से हमें एक बार इस रहस्यमय ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य से अवगत कराया है जिसे देखने के बाद हम फिर से उन्हीं रहस्यमय सवालों के जाल में बहुत ही गहराई से उलझ चुके हैं, जिन्हें सुलझाना तो दूर की बात है, हम उसके बारे में ठीक से अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा भेजे गए कार्टवील गैलेक्सी के तस्वीर की, जिसमें वैज्ञानिकों को एक ऐसी विचित्र गैलेक्सी दिखी जिसका आकार कार्टवील यानी कि किसी बैलगाड़ी के पहिए के जैसा है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत ही फेनोमिनल है और इसमें ऐसे ऐसे मंजर दिख रहे हैं जिसकी कल्पना करना हम इंसानों के लिए असंभव सा था, लेकिन आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसे संभव कर दिखाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी कार्टवील गैलेक्सी के बारे में जानेंगे, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पिछले महीने ही इस गैलेक्सी पर फोकस कर चुका था और इसी के फलस्वरूप हमें इस महीने के शुरुआती दिनों में ही इस गैलेक्सी की तस्वीर मिल गई, जिसमें मौजूद गैलेक्सी के आकार और इसके रहस्य अभी भी हमें हैरान कर रहे हैं। किंतु ऐसा भी नहीं है कि हम इस गैलेक्सी को पहली बार देख रहे हैं, बल्कि हम तो इस गैलेक्सी के बारे में हबल टेलीस्कोप के दौर से ही जानते आ रहे हैं, और बीते कुछ सालों में हबल टेलीस्कोप भी इस गैलेक्सी की तस्वीर हमें भेज चुके हैं। और यदि इन दोनों टेलीस्कोप के द्वारा भेजे गए तस्वीरों को वैज्ञानिक देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हबल टेलीस्कोप के द्वारा भेजा गया तस्वीर बहुत ही कलर्ड और डिटेल है, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा भेजे गए इस तस्वीर में हम रंगों का बेहतरीन मेल देख सकते हैं। और जब आप पहली बार इस इमेज को देखेंगे तो आपको यह किसी कलाकार की कलाकृति लगेगी, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कोई कलाकृति नहीं, बल्कि हमसे लगभग 500 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद एक गैलेक्सी की दृश्य है। और यह दृश्य केवल एक गैलेक्सी की नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद चंद परफेक्ट राउंडेड गैलेक्सी की तस्वीर है। और इस गैलेक्सी के बारे में जानने से वैज्ञानिकों को इस ब्रह्मांड की संरचना और उसके काम करने के मूलभूत सिद्धांत को समझने में काफी मदद मिलेगी। वैज्ञानिक इसकी बेहतरीन लुक को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में दिख रही इस गैलेक्सी के तमाम हिस्सों में अलग अलग रंगों और टेक्सचर को अलग अलग कॉस्मिक बॉडी से रिलेट करके देखा जा रहा है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि इस गैलेक्सी के मध्य में दिख रहा गुलाबी रंग का घेरा जो कि वास्तव में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो यह किसी विशाल शरीर वाले व्यक्ति की आँख की पुतली हो। और इस तस्वीर में दिख रही एक छोटा सा बिंदु भी हमारे सूरज से कई गुना अधिक विशाल है, और वैज्ञानिकों के अनुसार यह गैलेक्सी इस समय जितना राउंड और स्पाइरल दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि यह इससे भी अधिक स्पाइरल उस समय होगा जब यह अपने हाई गैलेक्टिक टाइम से गुजर रहा होगा। दोस्तों, हम सभी यह काफी अच्छे से जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है, और हमारे ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी और ब्लैक होल हमेशा गति करते रहते हैं, और इस कारण से ऐसा भी होता है कि कई बार दो गैलेक्सी आपस में टकरा जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक छोटी गैलेक्सी किसी बड़ी गैलेक्सी में समा जाते हैं, और इस घटना के कारण इन गैलेक्सी का शेप और साइज निरंतर बदलते रहते हैं। और हो सकता है कि इन बीते समय में इस कार्टवील गैलेक्सी से भी कोई गैलेक्सी टकराई होगी, और इसी वजह से हो सकता है इसका आकार बदल गया होगा। और इस कार्टवील गैलेक्सी के बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस गैलेक्सी के भीतर एक एक्टिव कोर है जिसका तापमान अत्यधिक है, और यह लगातार हीटेड प्लाज्मा पार्टिकल और लाइट रेज को स्पेस में छोड़ रहा है। और यदि बात करें इस गैलेक्सी की बाहरी छोर की, तो इसमें हीटेड गैस और डस्ट पार्टिकल बहुत ही अधिक मात्रा में है, जो विकसित होते होते एक स्टेलर नर्सरी में बदल चुका है, यानी कि यह अब नए सितारों को जन्म देने वाले नेबुला बन चुके हैं जिनसे नए सितारों का जन्म हो रहा है, और इसके साथ साथ इनके आसपास अनेकों ग्रहों की रचना हो रही है। और नासा के वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी के अध्ययन से यह भी पाया है कि इस गैलेक्सी में आंतरिक विस्तार भी हो रहा है, यानी कि यह गैलेक्सी भीतरी तौर पर भी इवॉल्व कर रही है,
और यह बात इस गैलेक्सी को काफी अधिक रेयर बना देती है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी आकाश गंगाओं की संख्या लगभग नहीं के बराबर बची है, जिसमें विस्तार के कारण केवल बाहरी विस्तार नहीं बल्कि अंदरूनी विस्तार भी शामिल है। वैज्ञानिकों को इस गैलेक्सी की गहराई से अध्ययन करने पर यह भी पता चला है कि इस गैलेक्सी का लाइफ साइकिल भी बाकी अन्य गैलेक्सियों से अलग है, और इसमें तारे बनने की दर किसी भी अन्य नोन गैलेक्सी में तारे बनने की दर से काफी अधिक है, और इसमें काफी तेज गति से सितारों का निर्माण हो रहा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की गैलेक्सी की जानकारी से हम इस ब्रह्मांड को और भी अच्छे से समझ सकते हैं, और इस तरह की गैलेक्सी ही हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए राजों से पर्दा उठाएगी। वैसे दोस्तों, इस गैलेक्सी के बारे में आपका क्या मत है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद।